जय हिंद दोस्तों, जय शिवकली। ये ले शहर है। अभी बस अभी अभी निकल रहे ले शहर से, ये बाहर जाने का रास्ता यही है ना। हाँ, ये बाहर जाने का रास्ता, तीन तरफ रास्ता मुड़े है, बस आगे को निकलना है मेरे को सीधा। अगर आप ले शहर में आते हो तो आने से आते के साथ ही ये मूर्ति दिख रहा है, मूर्ति दिखता है महाराजा सिंगे नामगल, तिब्बत, ये लद्दाख के महाराजा होंगे। और रास्ता जाता है श्रीनगर के सामने वाला, मुझे उसी रास्ता पकड़ना है। लद्दाख से निकल रहे थे, लगभग 6 किलोमीटर आए हैं। यहाँ पे हॉल ऑफ फेम, मतलब वॉर मेमोरियल होते हैं ना, म्यूजियम जैसा, देखते हैं। हालांकि मैंने वहाँ से आर्मी वाले थे यहाँ पे खड़े, वो झाड़ू लगा रहे, जो उनसे अभी बात पूछे थे तो उन्होंने बोला कि फिलहाल अभी तो जस्ट गेट बंद है, वरना जा सकते हैं अंदर, अभी खुलने का टाइम नहीं हुआ है। ये है हॉल ऑफ फेम, पीछे खूबसूरत पहाड़ी, उधर आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, और ऐसा ही है, बहुत ही बढ़िया। अभी ले से निकल रहे हैं, लगभग निकल चुके हैं, कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे पता नहीं। ये हॉल ऑफ फेम ले शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी में है, तो फिलहाल चलते हैं। हर एक पल को महसूस करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, अजीब सा मतलब अच्छा लग रहा था। हालांकि यहाँ पे पेड़ पौधे कुछ नहीं है, पर चारों तरफ की ये खूबसूरत वादियाँ, रास्ते अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। यहाँ से भी बर्फ़ की चोटी दिख रही है। सोचे थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा कर रखे, चलेंगे थोड़ी देर में, आराम से जाएंगे। फिलहाल मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसको मैग्नेटिक हिल कहते हैं। अब पता नहीं इसको मैग्नेटिक हिल किस तरह से नाम पड़ गया। आसपास देख लीजिए, यहाँ पे एक कैफ़े है, इसे मैग्नेटिक हिल कैफ़े बोलते हैं। यहाँ पे खाली आँखों से भी साफ साफ दिख रहा है ये डाउन स्लोप है, और ये इधर अप है, तो ये मैग्नेटिक हिल कैसे हो गया। इधर ही जा रहा है गाड़ियाँ वगैरह इधर ही जा रहा है, तो ये कुछ मैग्नेटिक हिल भी नहीं है, बस डाउन स्लोप में जा रहा है। पता नहीं क्या, किस तरह से किसी ने नाम दे दिया मैग्नेटिक हिल। किधर से है? पश्चिम बंगाल। तो ये एक्चुअली कोई मैग्नेटिक हिल है नहीं, बस कहीं पे किसी ने नाम दे दिया एक बार मैग्नेटिक हिल, तो ये मैग्नेटिक हिल बन गया। कुछ नहीं है बाकी, कुछ नहीं है बाकी, जैसा नॉर्मल रोड होते वैसा ही है, और कुछ नहीं है। कुछ मैग्नेटिक हिल एक बस एक वहम है और कुछ नहीं, अफवाह है बस।
यहाँ पे दो नदियों का संगम हुआ है, इसको संगम बोलते हैं इस जगह को। एक नदी है इंदास और एक है जांस्कार। इंदास मतलब इसी को सिंधु नदी बोलते होंगे। इधर से ये बहता हुआ नदी है जांस्कार और उधर से आ रहा है इंदास। इधर से बह के आगे इंदास नाम से ही बहता गया है। कारगिल की तरफ जा रही है नदी भी। ये विलेज का नाम निम्मो है, निम्मो विलेज। ये विलेज मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है, आज यहीं पर रुकने का जुगाड़ लगाना होगा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे, देखते हैं आज यहीं पर रुकेंगे शायद। तो आज मेरा लेह से जर्नी था, कारगिल के रास्ते पकड़े हैं। तो आज निम्मो नाम का एक जगह में आके जर्नी स्टॉप हुआ। ये एक गेस्ट हाउस का गार्डन है, तो उस गेस्ट हाउस के भैया को बोला था कि कुछ टेंट लगाने का जगह मिल सकता है क्या, तो उन्होंने वही गार्डन दिखा दिया, लगा लो आराम से। तो आज का टेंट यहाँ पर लगे, सब कुछ रेडी हो चुका है, सॉक्स धो दिए थे, साइकिल को वहाँ पे खड़ी है। ये गार्डन भी बहुत ही खूबसूरत सा है, नेचुरल है ना, हरा भरा। तो एक साइड में मैंने अपना टेंट लगा लिया है और ये रहा गया गार्डन। खूबसूरत जगह है टेंट लगाने के लिए, बहुत बढ़िया है। तो आज यहीं पर रुकेंगे, रात यहीं पर गुजरेगा। चलते हैं, जय हिंद जय शिवकाली।